हमको पापा जो है वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है, और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं। तुम पढ़ाते हो? यस सर। मुख्यमंत्री के गृह जिले में शिक्षा व्यवस्था कितनी गड़बड़ है और शराबबंदी कितनी हद तक लागू है, इसका उदाहरण एक छठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने मुख्यमंत्री से बताई। छठी क्लास का यह छात्र सोनू कुमार है जो मुख्यमंत्री से कहता है कि सर शिक्षा व्यवस्था बदहाल है और शराब कारोबार हावी है। पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। हमको शिक्षा चाहिए, सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं, इसीलिए हम और हमको पापा जो है वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है, और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं। सर तुम पढ़ाते हो? यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे ही पासवान नगर से हरमल बाबा। सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोले कि वो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है, वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब वराब जो है पापा पी लेते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी दिवंगत पत्नी मंजू सिन्हा के 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने कल्याण बिगहा गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। तभी मध्य विद्यालय नीमा कॉल के सरकारी स्कूल में छठी क्लास में पढ़ने वाला छात्र सोनू अचानक से सीएम के सामने हाथ जोड़े पहुंचता है और बेझिझक होकर उससे पढ़ाई में सहायता की मदद की गुहार लगाता है और कहता है कि वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके परिजन पढ़ाना नहीं चाहते। उसके पिता दही का दुकान चलाते हैं और जो कुछ आमदनी होती है वह शाम होते ही उस पैसे से तारी शराब पी जाते हैं। सोनू पढ़ लिखकर आईपीएस आईएएस बनना चाहता है, जिसके लिए 5वीं तक के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है, लेकिन शराब की लत से मजबूर उसके पिता उसकी पढ़ाई के पैसे भी छीन कर शराब पी जाते हैं। सोनू जिस सरकारी विद्यालय में पढ़ता है वहां के शिक्षकों को अंग्रेजी भी नहीं आती है। सोनू ने मुख्यमंत्री से साफ शब्दों में कहा कि यदि उसे सहायता मिलती है तो वह पढ़ लिख कर आईएएस और आईपीएस बनकर देश की सेवा करना चाहता है। हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर बर्म तो नहीं बोलते हैं, लेकिन दीपक कुमार सर है जो कि जिनको की इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है। तुम कितने से कितने की क्लास लेते हो? हाँ मैं अभी ऐसे ही एनसी से लेकर के 5 तक के ले क्लास लेते हो? हाँ, हाँ, क्या नाम है तुम्हारा जी? सोनू कुमार। तुम कितने क्लास में पढ़ रहे हो अभी? हम अभी 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, एनुअल एग्जाम ना मैंने फी नहीं जमा होने के कारण हमको थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो 6 से नाम रहा है और अभी नामों कट गए। डीएनटी न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।